हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक न्यू स्क्रिप्ट के बारे में, फूड एंड रेसिपी सिस्टम। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है काफ़ी छोटा सिस्टम है, उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बस अपने टीचर या कॉलेज प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जस्ट टू शो योर टीचर्स दैट यू आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और आप सिर्फ पास करना चाहते हैं अपना, मतलब जो भी एक्साइटमेंट है वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, पीएचपी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो ये उसके लिए ये बेस्ट है ये प्रोजेक्ट। तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर माइनर से फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करके एज यूजल हम उसको अपने वैम सर्वर के अंदर पेश कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने वैम सर्वर डब्ल्यू के अंदर पेश करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हो गया एक्सट्रैक्ट, ठीक। उसके बाद हम खोल लेते हैं अपना यहाँ से लोकल होस्ट। लोकल होस्ट खोलने के बाद हम जाते हैं अपने यहाँ से साइड पे में हम पीएचपी पाई एडमिन खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम खोल लेते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट हमारा। तो डेटाबेस मांग रहा है ये, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं कुकिंग नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमें डीबी नाम का फोल्डर मिलेगा, डीबी नाम के फोल्डर के अंदर डेटाबेस मिलेगा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे हम। ठीक, पेस्ट हो गया, ये आ गए टेबल्स। टेबल के अंदर जो एडमिन टेबल है उसके अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड है वो एडमिन है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे रेसिपी फीचर वीडियोस एंड ब्लॉग का दिख रहा है हमें। यहाँ से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजेस हैं। यहाँ पे रेसिपी, जो जो रेसिपीज़ हैं, जो जो हमको चाहिए यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शंस, कमेंट। ठीक, यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम अबाउट पे जाते हैं, अबाउट का पेज, लॉगिन में लॉगिन का, साइनअप में साइनअप कर लेते हैं हम। इसका सेम ही हम पासवर्ड रख लेते हैं इसका, तो इसको हम साइन अप कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, उसके बाद क्लिक है टू लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन, यहाँ पे नाम आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करके चाहे तो हम पर्टिकुलर रेसिपी के नीचे अपनी ईमेल आईडी चूज करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कर सकते हैं, चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक, डिलीट हो गया। अब हम जाते हैं बैकएंड में, यहाँ पे एडमिन, एडमिन हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक, तो यहाँ से हम प्रोफाइल देख सकते हैं, रेसिपीज, जितनी भी रेसिपीज है यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रेसिपीज ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, चाहे तो उनको डिलीट कर सकते हैं। डिटेल्स के अंदर पर्टिकुलर रेसिपी की डिटेल आ जाएंगी, जैसे कि टाइटल, टेक्स्ट, इमेज, इंग्रेडिएंट, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जितने यूजर्स हमारे सारे ऐड हैं वो सारे के सारे यहाँ हो सकते हैं। जितने भी कमेंट्स हमें शो हुए हैं, हमने जो भी रिसेंटली ऐड किया है वो यहाँ पे सारे के सारे शो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सी स्क्रिप्ट है जो काम कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे गैलरी के अंदर सारा का सारा जितने भी पेजेस ऐड है ना, वो सारे के सारे यहाँ शो होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। यही है, सिंपल सी स्क्रिप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर।